हेलो बच्चों लोग। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग भाई? क्या मेरी आवाज आप लोगों को तो सुनाई दे रही है? कौन कौन है? कौन कौन है? कौन कौन है? इतना ही मान। हेलो देविका, हेलो धीरज, हेलो मनीषा, हेलो निशा, हेलो शांति, हेलो आदित्य, हेलो धीरज, हेलो ललित, हेलो लियोन। हेलो बच्चा लोग, आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ फटाफट से। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, एम आई ऑडियोबल? मेरा आवाज आ रहा है क्लियर बच्चों को? वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर, क्लियर है कैसा? एवरीथिंग इज क्लियर, मेरे बाल ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। बहुत सारे कंप्लेन करते हैं सर, आपके बाल, सर आपके बाल खराब हो रहे हैं सर, आप प्लीज सर बाल बना के आए करें क्लास के अंदर सर। तो बच्चों यार अभी है ना, जस्ट आई एम क्वारंटाइन, ठीक है क्या? तो ना तो यहाँ पे कोई हेयर सैलून है, तो 1.5 महीने तक हम ऐसे ही रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है क्या? चलो बच्चा लोग, क्या करें क्या क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दो इसका हल हो मेरे भाई। क्या है क्या, मैं क्या खुद ही ना अपने बाल है ना, टक 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 काट दूंगा कैची से, ठीक है क्या? आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई। सो लेट वी स्टार्ट टूडेज लेक्चर। इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड टूडे आर टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स। आज हम मैग्नेटिक फोर्स पे चर्चा करेंगे। कुछ गड़बड़ हुआ है एक्चुअली यार। वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट, 1 मिनट। दो मिनट रुकना है यार। बच्चों लोग होल्ड करो बस थोड़ा सा यार, प्रॉब्लम हो गया। वेट अ मोमेंट। रुकने का, जस्ट रुकने का। चलो चलो चलो, जस्ट होने वाला है यार, टिपिंग कर गया आज स्विच। वो लाइट का एक बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है लोग। अलियोन बोलना, क्या बोल रहा है अलियोन, क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है क्या अलियोन? हालियोन क्या बोल रहा है, बोलना। हालियोन बोल, क्या बोल रहा है? एक्चुअली अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया था यार, मैं बाहर चला गया था 2 मिनट के लिए, ठीक है क्या? अभी ठीक है सर। लियोन कुछ पूछ रहा है, गाइस आप बताओ नेगेटिव आना चाहिए ना। सर लियोन का डाउट ले लो, वो लाल हुए जा रहा है। हाँ लियोन क्या हुआ, बोलना मेरे को। ऐप भी नेगेटिव होगा ना सर? नहीं ना, नीचे तो आएगा, सही तो है, फोर्स पॉजिटिव है ना, ई पॉजिटिव है। अच्छा यहाँ की कह रहे हो क्या तुम? चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों लोग, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स क्रैक इट। सो दिस इज द टुडेज लाइव लेक्चर, नीट जेईई 2021, एंड दैट इज योर मैग्नेटिक फोर्स टुडेज लेक्चर।
इट इज ऑन मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज मी, ठीक है, बहुत पुराना फोटो है, बहुत पुराना फोटो है, ठीक है क्या, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सो बच्चा लोग, जो आज का पार्ट है उसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। रिविजन हमारा कल हो ही गया था, आज हम सीधे सीधे बात करेंगे किस पर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है क्या, सब ठीक है, हाँ ना, बोलो यार। सब ठीक है क्या बच्चा लोग, बाल बहुत बड़े हो रहे हैं मेरे ना, मैं अभी देख रहा हूं इसको। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ। लेंस में क्या, लेंस में क्या, व्हाट इज इन लेंस यार, अब कल का डाउट पूछ रहा है तो इसमें लैग तुम्हें पता ना, इसमें कम से कम 10 से 20 सेकंड का लैग चलता है आपके और लाइफ के अंदर, ठीक है क्या। अपन पढ़ते हैं, टेलीग्राम पे मुझे डाउट भेज दे, तू मुझे टेलीग्राम पे दे दे, अपन स्टार्ट करते हैं आज का लाइव लेक्चर। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, क्लियर है क्या, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। सो हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल पढ़ रहे हैं बच्चा लोग, चलो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से कम क्वेश्चन आ ही जाता है अगर हम देखें तो। पहली बात हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है क्या। तो ये फॉर्मूला जो दिख रहा है आप लोगों को बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा फॉर्मूला, देखो एफ एम का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग, एफ एम का फॉर्मूला क्या है, एफ एम इज इक्वल टू वॉट वी क्रॉस बी, एफ एम इज इक्वल टू वॉट V क्रॉस B, क्या हम बचपन से जानते हैं सारी चीजें, एफ एम इज इक्वल टू V क्रॉस B, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है, ध्यान रखें Q को हम विद साइन रखेंगे, Q को कैसे रखेंगे विद साइन, Q को हम विद साइन रखेंगे। तो पहली बात जो जहां पर एफ एम है मैग्नेटिक फोर्स है एफ एम एंड दैट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ध्यान रहे Q को हम विद साइन रखेंगे, Q को हम विद साइन रखेंगे, एफ एम इज इक्वल टू वॉट क्यू वी क्रॉस बी, एफ एम को हम कैलकुलेट करेंगे Q V क्रॉस B से, जहां पर ये जो Q है वो चार्ज है एंड दैट इज ऑलवेज विद साइन, हमेशा साइन के साथ रखेंगे, गलती नहीं करना है, क्लियर है क्या। चलो दो चार बातें हैं कि अगर हम देखें, अगर E अगर F आपका कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर V पैरेलल है B के, अगर वेलोसिटी वेक्टर जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, अगर पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, या फिर कैसा है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा हमेशा, क्या फोर्स हमेशा जीरो होगा, क्या ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें कर लेने चाहिए, है ना, ताकि हमें कॉन्फिडेंस रहे कि हम सब जानते हैं, क्या नेट फोर्स जीरो होगा, है ना, बोलो क्या, अगर v वेक्टर परपेंडिकुलर है b के, क्या नेट फोर्स हमेशा इसी फॉर्मूले से दिया जाएगा, fm इज इक्वल टू क्यू वी बी, एफ एम इज इक्वल टू वॉट क्यू वी बी। अब देखना मेरी बात समझो, मान लो ये चार्ज पार्टिकल था q, है ना, ये इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, डायरेक्शन की बात कर लें क्या, जो डायरेक्शन है हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी दे सकते हैं, बट ये आई डोंट थिंक अच्छा वाला मेथड है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें किससे यूज करना है, हमेशा राइट हैंड रूल, कौन सा वाला रूल यूज करना है, राइट हैंड, क्या तुम सबको मेरी बात समझ में आ रही है, हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, इट्स अ राइट हैंड रूल, क्या करते हैं राइट हैंड रूल के अंदर, मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, देखना क्या मैग्नेटिक फील्ड देना आता है हमको, क्या मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन करना आता है, अरे हाँ ना बोलो सब लोग यार, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड देना जानते हैं, इट इज राइट हैंड थंब नॉकिंग रूल, राइट हैंड नॉकिंग रूल, क्या करते हैं हम देखते हैं क्या नॉकिंग हो रही है, वी प्लेस आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर नॉकिंग हो रही है तो फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है क्या, तो फील्ड आगे अंदर की ओर, नाउ प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेलोसिटी, नाउ केयरफुल, हम क्या करते हैं अपने अंगूठे को रखते हैं वी की डायरेक्शन में, पॉजिटिव के वी की डायरेक्शन में, उंगलियां खोलते हैं और थक्कड़ मारते हैं, धक्का, देखो आ जाओ ना, मैं बात करता हूँ रूल्स, दैट मीन मैथड हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, how to find the direction, see direction of magnetic force, direction of magnetic force kaise dete hain, left hand flaming rule, I am not suggesting that, main isko nahi suggest karunga flaming left hand rule ko, kyun, kyunki jab aage jayenge to flaming apna right hand badal lega, bhai hame hand badalne ki hai na itna time nahi ki hum hand badle wahan pe, yaad rakhein left hand rule, yaad rakhein right hand rule, hum hamesha right hand ko hi follow karenge, hum kisko follow karenge hamesha right hand ko, to right hand rule kya hi samajh lo, that is your right hand rule, force जो है वो फिंगर्स को शो करेगी, जानते हो क्या क्या होता है राइट हैंड रूल, ये तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है,
लेफ्ट हैंड रूल, इसको छोड़ो यार, देख लो फिर भी यार, आप देखना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स को ऐसे से स्ट्रेच कर लेते हैं, दैट इज योर फोर फिंगर, दैट इज योर मिडिल फिंगर, दैट इज योर थंब, ठीक है क्या। फिर हम जो फोर फिंगर होती है वो मैग्नीफील्ड को दिखाती है, फोर फिंगर किसको दिखाती है, मैग्नीफील्ड को, मिडिल फिंगर किसको दिखाती है, वेलोसिटी को, और थंब किसको दिखाता है, फोर्स को। छोड़ो इसको, इसको मत यूज करना, करना बेकार का है, मेरा वाला देखो, दैट इज माय रूल, ठीक है क्या। एजीके स्लैपिंग रूल, एजीके स्लैपिंग रूल, थप्पड़ का नियम, किसका नियम, थप्पड़ का नियम, हाँ कहते हैं ना प्यार से नहीं साहेब, नहीं प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता है, अरे हाँ ना बोलो यार, क्लियर है क्या। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कहता है कि प्यार से नहीं साहेब थप्पड़ से डर लगता है, सो दैट इज द एजीके थप्पड़ का नियम। इलेक्ट्रॉन को कैसे पड़ेगा, उल्टे हाथ का। अब ये करना क्या है उनको, थप्पड़ रूल में क्या करना है ना, इट्स अ राइट हैंड पाम रूल ऑल्सो, इसको हम राइट हैंड पाम रूल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल, इसको हम राइट हैंड पाम रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल। क्या करते हैं इसमें हम बच्चा लोग, हम क्या करते हैं देखो, सबसे पहले आपको करंट कैरिंग वायर दिख रहा है, अपन करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रख के मैग्नीफील्ड सर्च कर लेते हैं, क्या मैग्नीफील्ड अंदर की ओर है, हाँ ना बोलो यस। अब मान लो एक प्लस क्यू चार्ज आ रहा है, एक प्लस क्यू चार्ज आ रहा है और एक माइनस क्यू चार्ज आ रहा है, ऐसे देखो, एक प्लस क्यू चार्ज आ रहा है और एक माइनस क्यू चार्ज आ रहा है, कौन सा आ रहा है, एक माइनस क्यू चार्ज आ रहा है, देखो सब लोग आराम से, चलो आओ देखते हैं किधर जाएगा, देखते हैं किधर जाएगा, आ जाओ देखते हैं कौन किधर जाएगा, प्लस क्यू, क्या करना देखो, दैट इज योर एजीके स्लैपिंग रूल, थप्पड़ का नियम है ना, चपाट का नियम, क्या बोलते हैं इसको, चपाट का नियम, आवाज आती है चपाट। देखा क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे राइट हैंड से बोलते हैं भाई मैग्नीफील्ड का डायरेक्शन बता, राइट हैंड बोलता है क्या बात कर दी, ये ले अंदर की ओर, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हम बोलते हैं अपने राइट हैंड से, अच्छा चलो भाई फोर्थ का डायरेक्शन बताओ, तो बोलते हैं अच्छा सारे काम मेरे से करवाएगा, मैं बोलूंगा हाँ ठीक है क्या। तो देख क्या करना है, अपने अंगूठे को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ध्यान रखना इन द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उंगलियां खोलनी है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उंगलियां कहां खोलनी है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका चपाट होगा है ना, चपाट, क्लियर है क्या, वो किसको दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को। देख लो आ जाओ, पॉजिटिव कहां, देख लो मैं लिख देता हूं आपको इधर ना, हमें क्या करना है, हमें थंब को रखना है, थंब कहां रखना है, राइट हैंड स्लैपिंग रूल, थप्पड़ का नियम, थंब को कहां रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि वी की डायरेक्शन में रखना है, किसके लिए, प्लस चार्ज के लिए, प्लस क्यू के लिए, या फिर माइनस वी की डायरेक्शन में रखना है, किसके लिए, माइनस क्यू के लिए। क्या सब लोगों को समझ में आया, थंब कहां रखना है, अरे बोलते जाओ यार, थंब को, अंगूठे को कहां रखना है, वी हैव टू प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। उसके बाद क्या करना है, ये तो थंब हो गया, उसके बाद क्या करना है, हम फिंगर्स को ओपन करनी है, फिंगर्स, फिंगर्स कहां जाएगी, वी हैव टू ओपन आवर फिंगर्स, फिंगर्स कहां जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिंगर्स जो है वो शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, फिंगर्स को शो करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है क्या। और जो पाम है, दैट इज योर पाम, ये पाम किसको शो करेगा, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये किसको शो करेगा, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्लियर है क्या बच्चा लोग, ये किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा, फिर समझ लें आराम से, फिर समझ लें, दैट इज योर एजीके स्लैपिंग रूल, है ना, कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन क्या कहता है भाई, हमें प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता है, ठीक है क्या, इलेक्ट्रॉन बोलता है, क्यों, क्योंकि उसको डायरेक्शन पर चल जाती है फोर्स की, देखना सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, क्या नॉकिंग से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, फिर क्या पॉजिटिव चार्ज के लिए ऊपर जा रहा है, तो अपना अंगूठा ऊपर रख दें, उंगलियां खोले ऐसे, थप्पड़ मारे इसके, किधर जाएगा ये, टुवर्ड्स द वायर, कौन, प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज किस तरफ भागेगा बच्चों लोग, प्लस क्यू चार्ज भागेगा, देख प्लस क्यू चार्ज किधर भाग रहा है, प्लस क्यू चार्ज, दैट प्लस क्यू चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स दी, अरे हाँ ना बोलो यार, देखो ना आराम से, प्लस क्यू के लिए ऐसे ऐसे, और मारो थप्पड़, क्या लेफ्ट में जाएगा, अच्छा माइनस क्यू के लिए बोलो, क्या माइनस क्यू के लिए मुझे, माइनस क्यू के लिए मुझे अपने अंगूठे को अपोजिट लिखना है, ये देख अपोजिट, अपोजिट रखना है, लिखा है वहां पे बहुत क्लियरली, अपोजिट ओपन एंड पुश, तो क्या ये ऐसे जाएगा, क्या ये ऐसे जाएगा, ये देखो क्या सबको चमका है यार, हाँ ना बोलो यार, सब लोग क्या चमका गया, सब बच्चों को सिंपल है क्या बच्चा लोग, सिंपल, क्या करना है, प्लस क्यू की डायरेक्शन में अंगूठा रखना है, माइनस क्यू के अपोजिट अंगूठा रखना है, और उंगलियां खोलनी है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और मार देना है चपाट, ये देख, ये देख, अरे हाँ ना बोलो यार, सबको आया क्या, सबको आया क्या, बोलो आया क्या, नहीं आया, क्लियर, डन है, क्या करना है, क्लियर सिनेरियो, बहुत क्लियर, अच्छी तरह से, ओके डन, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट,
1, 2, 3. तो भैया ये पता चल गया हम लोगों को फोर्स कैसे निकालना है, क्या सब बच्चों को चमका। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके लिए, नेक्स्ट पार्ट। अब क्या, लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस। चलो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में आप कैलकुलेट कर रहा हूं, थोड़ा सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्लियर है क्या। चलो आ जाओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कैलकुलेट करता हूं। देखना सब लोग, सब समझना आराम से। मान लो ये जा रहा है आपके पास चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की ओर। किधर है मैग्नेटिक फील्ड? ऊपर की ओर। ये प्लस क्यू चार्ज है जो जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है आपका टूवर्ड्स द राइट, और मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड्स। कैन यू टेल मी व्हाट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? बहुत सिंपल है, आ जाओ। क्या करना है, क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, क्या करें, पॉजिटिव चार्ज की पार्टिकल की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रख दें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को खोल दें बच्चे लोग, और धक्का मारो, थप्पड़ मारो। क्या ये बाहर की ओर आएगा? क्या फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस लग रहा है? क्या मैं बोल सकता हूं द फोर्स इज डॉट, फोर्स इज डॉट? क्या सब बच्चों को चमका? हाँ ना बोल। और देखो इधर, और देखो ये देखना। अब मैंने बोल दिया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। मैंने बोल दिया वेलोसिटी बाहर की ओर है, वेलोसिटी कैसी है? बाहर की ओर। मैं मान लेता हूं माइनस क्यू चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। क्या हम बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अंगूठे के साथ क्या करना है सर? इसको हमेशा रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैन यू सी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस? इज इट क्लियर? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस, गॉट इट? ओके, एंड दिस इज द नेगेटिव, सो वी हैव टू प्लेस द थंब अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, अपोजिट टू वेलोसिटी, दैट मींस इनवर्स। And now open your fingers in the direction of magnetic field and then push it, and then push it. तो क्या बच्चों लोग ये नीचे की ओर जाएगा, तो क्या ये आपका फोर्स आएगा F? क्या ये फोर्स आएगा? यार कितनी शानदार बात है, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बातें, लेकिन हमको सबको अच्छी तरह से समझ में आती है। क्या सब बच्चों को समझ में आई? क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या था क्लियर? ओके डन। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। सी So, ये तो क्या FM is equal to QV cross BP, हमने डायरेक्शन डिस्कस कर लिया, ठीक है क्या? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहां ले रहा हूं आप लोगों को, देखना क्या है कि हमारे पास, देखना सब बच्चे लोग, हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन। क्या है इलेक्ट्रॉन? दैट इज कमिंग इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यू नो अर्थ के दो फील्ड होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, सॉरी एक होता है वर्टिकल, और एक होता है हॉरिजॉन्टल इन टू द प्लेन साउथ टू नॉर्थ। समझना मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मान लो इक्वेटर है हमारा, तो इधर हो गया हमारे पास नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ऐसे, ठीक है क्या? इक्वेटर है हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरह से, एन इलेक्ट्रॉन कमिंग वर्टिकली डाउन इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पॉइंटेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जिसका डायरेक्शन कैसा है? साउथ टू नॉर्थ। देन इन विच डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट। किस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेगा? क्वेश्चन इतना सा है, इन विच डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट। सो अगर हम बेसिकली इस क्वेश्चन को समझें, तो दैट इज सिंपली बेस्ड ऑन द डायरेक्शन कॉन्सेप्ट। वी नो विल बी डायरेक्शन, हाउ टू गिव द डायरेक्शन, द डायरेक्शन वी हैव टू गिवन बाय द राइट एंड थप्पड़ रूल। व्हाट वी हैव टू डू इन दैट, वी हैव टू प्लेस आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सो लेट आई से इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ व्हाट, ईस्ट, और मेरे पीछे क्या है, वेस्ट। क्या यही सिखाया था मैंने आप लोगों को, कैसे बताते हैं डायरेक्शन? सामने कौन है? ईस्ट। पीछे कौन है? वेस्ट। राइट में कौन है? साउथ। लेफ्ट में कौन है? नॉर्थ। क्लियर है? चलो आप सामने ईस्ट है, पीछे वेस्ट है, इस तरफ साउथ है, इस तरफ नॉर्थ है। इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है वर्टिकली डाउन। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लेस आवर थंब इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ओपन द फिंगर्स लाइक दैट एंड पुश पुश पुश। क्या ये तुम्हारी तरफ आ रहा है? That means, तुम्हारे पीछे तो वेस्ट है। हाँ ना बोलो यार। अगर मैं इसको यहां से पिक्चराइज करने की कोशिश करूं, तो देखना वर्टिकली डाउन आ रहा है। कैसे आ रहा है? वर्टिकली डाउन, ऐसे आ रहा है। क्लियर है क्या?
वर्टिकल डाउन आ रहा है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। क्या वर्टिकली डाउन आ रहा है, तो क्या मैं अंगूठा ऐसे रखू ऐसे और अपनी उंगलियों को खोल दू साउथ टू नॉर्थ, इधर थप्पड़ मारू, तो क्या ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा बच्चों लोग, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या बच्चों को समझ में आया क्या? इट विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द वेस्ट। सबके क्लियर है क्या बच्चा लोग? ओके डन, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबके क्लियर है क्या? हमको देनी आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके चलो इसका स्क्रीन शॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, 1 2 3 अच्छा, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। जैसे पहले हम एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं, है ना, सम क्वेश्चंस मैग्नेटिक फोर्स। देखो आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, आपको वी वेक्टर दिया हुआ है, और वेलोसिटी वेक्टर जो है आपके पास देखना कैसा है, ये आपको वी वेक्टर दिया हुआ है बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है आपको, देखना ये आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है वी, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया है, ये क्यों दिया है? आपसे बोला जा रहा है फोर्स बताओ, क्या बच्चों वाली बात है? क्या फोर्स निकालना बच्चों वाली बात है मेरे लिए? क्या डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सब बच्चों को आता है? क्या क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम निकालते हैं ऐसे, हम बोलते हैं आई जे के, ठीक है क्या? फिर हम ऐसे लिखते हैं, फिर आई का कोएफिशिएंट सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर का, क्या ये 1 और 1 एंड 0 है, 1 1 0। क्या सेकंड के लिए लिखते हैं क्या हम 2 -3, 0? क्या सब बच्चों को चमका? क्या बच्चों को चमका? ये बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो क्या मैं फोर्स लिख दूं ऐसे? फोर्स इज इक्वल टू, पहले आई कैप को कैलकुलेट करना है, तो आई कैप को कैलकुलेट करने के लिए क्या हम ऐसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को कट करते हैं, तो देख क्या आया, 1 0 1 0, तो ये 0 आ गया, क्लियर है क्या? फिर माइनस जे कैप लिखते हैं, फिर माइनस जे कैप में इस जे वाली लाइन को क्रॉस कर देते हैं, तो क्या 1 0 0 आ गया, फिर वापस देखो आराम से क्या 0 हो गया। फिर फाइनली क्या हम इसको क्रॉस कर देंगे ऐसे, ठीक है क्या? ये आई कैप है ना, आई कैप ये, फिर इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो बचेगा कितना, -3 और 2, सो -3 -2, क्या ये -5 के कैप आ जाएगा? क्या बच्चों सब लोगों को चमका? क्या ये फोर्स सिंपल निकाल सकता हूँ, -5 कैप कैप, इसका मतलब 5 न्यूटन फोर्स है और नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर लग रहा है। क्या सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने पूछा आप लोगों को? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो सब लोग, ये क्वेश्चन देखो, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे, इसका एक रिजल्टेंट ये वाला कंपाउंड ले लेंगे, 2 × 10⁵ दिया है आपको, 2 × 10⁵, ठीक है। तो एक कंपाउंड ये हो जाएगा, ये होगा आपका 2 × 10⁵ cos 30°, cos 30°, क्या इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा? क्या इस पर 2 × 10⁵ sin 30°, यानी कि 1/2, क्या ये फोर्स इस वाली वेलोसिटी पे लगेगा? या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, फोर्स जो होता है वो qvb sin थीटा होता है। फोर्स का वैल्यू क्या होता है? qvb sin थीटा। क्या सारी चीज दी हुई है? क्या बहुत आराम से निकाल सकता हूँ? क्या ये जनता वाले क्वेश्चन है? क्या ये सारे जनता वाले क्वेश्चन है यार? हाँ ना बोल, क्या ये जनता वाले क्वेश्चन है? मुझे इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते, अब आ जाओ तुम, अब मैं थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराता हूँ तुम लोगों को, देखना सब, ये जनता वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिलेक्शन क्वेश्चन है, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है ना, रैंकर क्वेश्चन, रैंकर्स। क्या है क्वेश्चन में समझो, पढ़ो आराम से। An electron enters in a magnetic field with a velocity of 2 × 10⁶ meter per second, I cap plus J cap, and it experiences a force 1.2 × 10⁻³ when particle, यहाँ से अलग line start हो रही है, when particle along the positive of Z axis, then it experiences a force in the negative of X axis. जब particle अब मेरे को निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? मेरे को B निकालना है, तो मैं बोलूंगा सर FM बराबर qv cross b यूज कर लो, FM इज इक्वल टू क्या यूज कर लो, v cross b, ठीक है, हम ये तो यूज कर लेंगे। और देख क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमको विद साइन भी जाना पड़ेगा। तो क्या FM का फॉर्मूला ये लिख दूं मैं, v cross b, FM इज इक्वल टू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ चलो, अब एक FM, अब मैं FM को लिख रहा हूँ, तो ये हो गया FM इज इक्वल टू q − 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। v कितना हो गया बोलना, दिया हुआ है मैं 2 × 10⁶, 2 × 10⁶ i cap plus j cap cross b। अब मुझे b निकालना है, कैसे निकालूं b कैसे निकाले? अच्छा मेरी बात सुनो, क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, नहीं बोला था मैं यूनिफॉर्म मान लेते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है? अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा? तो क्यों ना आप डायरेक्शन निकाल लें। आप सुनो, उल्टा आ गया ये, देखो सब लोग, उल्टा पूछ गया क्वेश्चन, उल्टा कैसे बोल रहा हूं मैं, हमसे बोल रहा है कि फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड बी कितना होगा, डायरेक्शन कितनी होगी,
देखना, मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया बी नॉट, इसको मैंने मान लिया, मान सकते हैं क्या? अरे यूनिफॉर्म है तो क्या उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा? क्या उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी? अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है तो क्या मैं आराम से इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं, बशर्त मुझे डायरेक्शन का मालूम हो? चलो डायरेक्शन निकालते हैं। देखना, एक लाइन दे रखी उसने, व्हेन इट इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर है क्या बच्चा लोग? सब लोग क्लियर है क्या? आप सुन, ये हो गया आपके पास जेड एक्सिस, जेड, और ये क्या है? वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये किसका डायरेक्शन है? वेलोसिटी का, ठीक है क्या? अब फोर्स दे रखा है, फोर्स किधर है? इस तरफ, ये फोर्स। अरे हाँ ना बोल रहे हैं, जो 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 क्वेश्चन में दे रखा है मैं वही तो कर रहा हूँ। देखो ना आराम से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करता हूँ, बाकी तो मुझे आता ही है। चलो भाई, क्या चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, क्या वो जेड एक्सिस पे बाहर आ रहा है? तो क्या मुझे अपने अंगूठे को अपोजिट टू द जेड रखना चाहिए, नेगेटिव ऑफ जेड रखना चाहिए? ये देख, आप सुन, तुझे अपना पाम पाम खोलना है, लेकिन पाम तो पता है किधर खुलेगा? नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में। हाँ ना बोलो यार, पाम किधर खुलेगा आपका? नेगेटिव में, यानी कि फिंगर्स किधर खुलेंगे? सुन, फिंगर्स को आपको डेफिनेटली नीचे ही खोलना पड़ेगा, तभी आपका पाम टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस शो करेगा। इसका मतलब मुझे ये बहुत अच्छे तरह से क्लियर हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस है। क्या सब बच्चों को चमका? हाँ ना बोलो, क्या सब बच्चों को चमका? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने ढूंढ लिया। क्या ये पता है हम लोगों को कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा फील्ड है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या ये आप सब जानते हो कि यूनिफॉर्म फील्ड अगर है तो क्या उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होगी? बिल्कुल सही बात, उसका मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगी। अगर उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है तो क्यों ना पहले में गिवन कंडीशन से उसकी डायरेक्शन ढूंढूं, फिर गिवन फॉर्मूले से मैं उसका मैग्नीट्यूड ढूंढूं। क्या ये फॉर्म जो ये क्वेश्चन है ये दोनों को चेक कर रहा है हम लोगों से कि हमें डायरेक्शन देनी भी आती है नहीं आती, और हमें क्या फॉर्मूला यूज करना आता है नहीं आता? क्या सब बच्चों को चमका क्या? हाँ ना बोल, दुआ दे। An electron enters in a velocity 2 into 10 to the power 6. ठीक है क्या? Enters in a magnetic field. Enters in a magnetic field with a velocity of 2 into 10 to the power 6 meter per second i cap plus j cap. Experience the force of this 1.2 at 10 to the power minus 13 k cap. When a particle is moving along the positive z axis, then experience the force in the negative of, है ना? When the particle is along the z axis, it experience the force in the negative x axis. क्या हमें ये बता रहा है कि force किधर लग रहा है? और ये तब लग रहा है जब वेलोसिटी दी हुई है। तो क्या v और b दिया हुआ है, f निकालना है? क्या कोई भी दो दे और एक निकालना, तो क्या मैं अपने राइट हैंड रूल को यूज कर सकता हूं? नाउ सी वेयर द पार्टिकल इज कमिंग आउटवर्ड्स अलोंग द जेड एक्सिस, इज इट द नेगेटिव? यस। सो कैन बी प्लेस, क्या हमें थंब को अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिखनी है? देख अंदर क्यों लिख दिया मैंने, हमेशा रख दिया है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है तो अपोजिट टू वेलोसिटी जाएगा अंदर। अब देखो, अपनी उंगलियां ऐसे खोलनी है बच्चों, उंगलियां ऐसे खोलनी है कि वो नेगेटिव, आपका जो पाम है वो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस को दिखाए। तो क्या ऐसे ही खोल पाऊंगा मैं? यार हाँ ना बोलो, ऐसे खोल लूंगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस फोर्स दिखाएगा, ऐसे खोल लूंगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस फोर्स दिखाएगा। मेरे को ये बोल रखा है फोर्स जो लग रहा है नेगेटिव एक्स पे लग रहा है, तो क्या मेरी फिंगर्स नीचे ही खुलना चाहिए? तो क्या मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी जीरो क्या क्या आ गया, सॉरी जे कैप आ गया? तो यहां से मैंने निकाल लिया कि बी का वैल्यू जो आया वो आया बी जीरो माइनस जे कैप, कुछ चमका गया। बस इसको लिख लेंगे हम माइनस बी जीरो जे कैप। So, देख एफ एम कितना दिया है, 1.28, इट इज 1.28 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 13 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इंटू 2 इंटू 10 का पावर 6 इंटू बी नॉट भी बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा आई प्लस जे क्रॉस माइनस जे, ये आएगा ना, क्योंकि b का डायरेक्शन माइनस जे कैप हो गया। अब देखना, सब देखना, ये हो गया 10 पावर 6 और 10 पावर 19, ये 13 है, ये पूरा गया यहां से, ढंग से देखो। अच्छा, ये माइनस भी गया, ढंग से देखो। अब देख, ये 1.6 एंड 2 3.2 हो गया, और 3.2 हो गया तो क्या ये 0.4 हो जाएगा? ढंग से देख, क्या ये पूरा इसको 0.4 बार कट कर देगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा क्या बच्चों, 0.4 जे कैप आ जाएगा, माइनस का जे कैप। ये देख, क्या ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हमसे फॉर्मूले का भी ज्ञान ले रहा है और हम लोगों से क्या डायरेक्शन का भी ज्ञान ले रहा है? क्या सब लोगों को, सबको चमका गया, सब बच्चों को क्लियर है क्या? हाँ ना बोल, आगे बढ़ें क्या? चलो आगे बढ़, चलो लेट्स मूव अहेड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं इसके बाद, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट,
चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, बच्चों लोग इसको आप देखते बता सकते हो, देखना क्या क्वेश्चन है। आपको क्या क्वेश्चन दे रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन दिस 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 एंड एक्सपीरियंस फोर्स दिस 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 पार्टिकल इज मूविंग पॉजिटिव डायरेक्शन, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन नेगेटिव एक्सिस। फाइंड द बी, अच्छा ये तो कर ही लिया हमने। ये देखो, अ प्रोटॉन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड 2i के प्लस 3j के इनटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड। इफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज दिस 6i कैप माइनस xj कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। है ना, आप देख यहां पे क्या दिया हुआ, आपको फोर्स दिया हुआ है, आपको मैग्नेटिक फोर्स दिया हुआ है कितना, एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल फोर्स दिया है f इज इक्वल टू व्हाट, देखो f इज इक्वल टू 6i कैप माइनस xj कैप, ये फोर्स दिया है आप लोगों को, ठीक है क्या, ये फोर्स दिया। और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी कितनी दी है, देखो ढंग से, वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर दिया है आप लोगों को, इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। और हमसे क्या पूछ रहा है वो, हमसे पूछ रहा है बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब यहां पे वो फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाना सर, fm इज इक्वल टू व्हाट, इट इज q स्टार v क्रॉस b, सर हम जानते हैं ये, सर हम जानते हैं fm इज इक्वल टू क्या हो गया, v क्रॉस b। अरे इसको नहीं लगाना है अब यहां पर, ढंग से देखो इसको नहीं लगाना है, fm इज इक्वल टू v क्रॉस b, क्या करना है सर ढंग से देखो, अगर हम देखें सर तो फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर, क्या ये बात पता है आप लोगों को, यार फॉर्मूला ही बोलता है fm is equal to qv cross b, तो क्या फोर्स और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, अगर ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या बच्चों f dot v जीरो हो जाएगा, हाँ ना बोलो यार, f dot v क्या हो जाएगा, जीरो। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही करने हम लोगों को, अगर फोर्स एंड वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो और उसको जीरो के बराबर उठा के रख दो, तो देख इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, f dot v जीरो, सो 6 into 2 12 माइनस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जनता वाले क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है क्या, आगे बढ़े क्या, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक क्या क्वेश्चन दे रहा है, समझना ये क्वेश्चन, ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो सारी बुक्स के अंदर है, एससी वर्मा सबके अंदर क्वेश्चन दे रखा है। A charged particle moving with a constant velocity passes through a region of space without any change in its velocity. E and B represent the electric field, magnetic field in that region respectively. Then, what is the E and B in the space? मतलब possibility check कर रहा है। मतलब ऐसा question है कि आपके पास question क्या, सुन लो। आपके पास एक space है जिसमें electric field भी है और magnetic field भी है। ठीक है क्या? Electric and magnetic field both are exist in may exist हो सकते हैं। मतलब दोनों में कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ई जीरो हो जाए बी जीरो हो जाए या फिर ई जीरो हो या बी जीरो ना हो, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ई और बी की किसी एक स्पेस के अंदर। वो कंडीशन ये दे रहा है कि चार्ज पार्टिकल मूव इन द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब समझते हो क्या, नाइदर इट इज चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड नॉट इट्स डायरेक्शन, ना तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना ही वो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ठीक है क्या। अच्छा इससे पहले मैं एक छोटी सी चर्चा और कर लेता हूँ, शायद वो अपन पार्ट छोड़ दिए हैं इसमें, है ना, एक छोटी सी बात और करके आ जाऊंगा मैं, उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे अपन। एक छोटी सी बात जो अपन लोग भूल गए यहाँ पे, है ना, देखना वो यहाँ पे थी वो बात, क्या बात थी वो, देखो इसको देखना फटाफट से, क्या बात थी वो, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखो आपको बोल रहा है पावर सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मेरी बात समझना, अगर मैं बात कर रहा हूँ एफ की मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। ढंग से देख, v और b हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, सॉरी f एंड v हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फोर्स एंड वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यार हाँ ना बोलो यार, क्या फोर्स एंड वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, देखना v क्रॉस b है यार, ऐसे देखो, है ना, ये फोर्स हो गया पाम और ये अंगूठा वेलोसिटी, क्या ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हाँ, तो फोर्स एंड वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो बच्चों अगर मैं पावर लिखता हूँ, पावर, तो क्या पावर को मैं एफ डॉट वी लिख सकता हूँ, क्या पावर को मैं एफ डॉट वी लिख सकता हूं, अगर मैं पावर को एफ डॉट वी लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्यों पावर जीरो हो गई, पावर जीरो क्यों होगी, क्योंकि इट इज वी एंड एफ आर परपेंडिकुलर, तो पावर कितनी हो गई यहां से जीरो। अगर पावर जीरो होगी इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ वर्क डन जीरो हो गया, पावर जीरो तो इसका मतलब क्या होता है, पावर है क्या बेसिकली, रेट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो पावर जीरो हो गई तो डब्ल्यू क्या हो गया, इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी डब्ल्यू भी जीरो हो गया ना, रेट ऑफ वर्क डन जीरो, तो डब्ल्यू भी क्या हो गया, जीरो, नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज जीरो, इट इज जीरो, तो वर्क डन भी कितना हो गया, जीरो, और वर्क डन जीरो हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो, और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, कॉन्स्टेंट,
काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट। तो ध्यान रखना बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्ज पे कभी वर्क नहीं करता। सो दैट मीन वर्क डन ऑन अ मूविंग चार्ज बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, हमेशा फोर्स जीरो होता है, कोई काम नहीं करता। अगर काम नहीं करता तो इसका मतलब क्या हुआ, कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं होती, बट वेलोसिटी चेंज हो सकती है ड्यू टू द डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी चेंज, अब देखो अब ऐसे जैसे कोई पार्टिकल आया, समझना सब लोग, मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, क्या करता है, एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है यहाँ पर इस तरह से, समझ। चार्ज पार्टिकल ने एंटर किया, क्या वो ऐसे चला जाएगा, हाँ ना बोल। अगर ऐसे चला जाएगा फोर्स ऊपर लगेगा ना, फोर्स ऊपर लगेगा। अगर ऐसे चला गया वो इस तरह से, ये तो क्या इसका स्पीड में यहाँ पे वी नॉट बोलता हूँ, तो क्या वही स्पीड यहाँ पे भी वी नॉट ही होगा। जितनी स्पीड से एंटर करता है उतनी स्पीड से बाहर निकलता है, स्पीड हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, बट डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। क्लियर है क्या? तो तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड का, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एक डायलॉग भी होता है, तुम लोगों को मालूम है क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायलॉग, मैग्नेटिक फील्ड का डायलॉग कौन किसको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड का डायलॉग हाँ, मैग्नेटिक फील्ड डायलॉग मारता है। मैग्नेटिक फील्ड बोलता है चार्ज पार्टिकल, सुन चार्ज पार्टिकल, इधर देख चार्ज पार्टिकल, सुन मेरी बात, तू मेरी डायरेक्शन में आ जा वरना मैं तेरी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। क्या बोलता है, सुनना आराम से, मैग्नेटिक फील्ड बोलता है चार्ज पार्टिकल से कि तू मेरी डायरेक्शन में आ जा वरना मैं तेरी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर V और B पैरेलल हो जाएगा तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, यानी कि जैसे आ रहा है वैसे ही चला जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डायलॉग है, समझ में आया क्या? मैग्नेटिक फोर्स बोलता है चार्ज पार्टिकल, सुन चार्ज पार्टिकल, तू मेरी डायरेक्शन में आ जा वरना मैं तेरी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। तो देख, अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे देखना, अगर मेरी बात सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वेलोसिटी ये है, तो बोलता है सर मैं तो आपकी डायरेक्शन में हूं, तो उससे की कोई बात नहीं, सीधे जाओ, ना दाएं देखो ना बाएं देखो, सीधे चले जाओ। क्लियर है क्या? सीधे चला जाएगा। लेकिन अगर यहां देखो, यहां पर अगर पार्टिकल आया तो क्या बोलेगा, इसको क्या बोलेगा, चलो भाई ऊपर भागो, देख ठीक है, डिफ्लेक्ट कर देगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो भैया डायलॉग क्या है फिर समझ लो, मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड बोलता है चार्ज पार्टिकल से मेरे डायरेक्शन में आ जा वरना तेरी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आता तो उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, और मैग्नीट्यूड तो चेंज करता ही नहीं है वो, यार समझो ना, मैग्नीट्यूड तो कभी चेंज करता ही नहीं है, चेंज केवल डायरेक्शन करता है, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा अगर वो पार्टिकल उसकी ही डायरेक्शन में आ जाएगा। समझे क्या? हाँ ना बोलो यार, कोई कंफ्यूजन है क्या बच्चा लोग, कोई कंफ्यूजन लियोन, कुछ कंफ्यूजन, मनीषा सब ठीक फाइन, देविका मेरी डायरेक्शन में आ जा वरना तेरी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, बिल्कुल। क्या बच्चों समझे कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत शरीफ होता है वैसे तो। मैग्नेटिक फील्ड बोलता है मुझे तेरे मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, क्या बोले तो, तेरे मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, मुझे तेरी डायरेक्शन पसंद नहीं है, बस तू मेरी डायरेक्शन में आ वरना मैं तेरी डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा। क्या बच्चों को समझ में आया क्या? हाँ। तो अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट द डायरेक्शन कैन बी चेंज्ड इफ मैग्नेटिक फोर्स इज अप्लाइड, देन डायरेक्शन इज चेंज्ड। अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है। क्लियर है क्या भाई? मैग्नीट्यूड तो हमेशा चेंज होगा, कुछ भी कर लो। अब डायरेक्शन चेंज कब होगी, डायरेक्शन कब चेंज होगी, जब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना हो। समझे क्या आप लोग? चलो आ जाओ, चलो भाई अपने क्वेश्चन पे आते हैं, यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया। अब अपना क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से एक जल्दी से, है ना, ये जो चीज लिखी है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, यहां पर ले लो, इस जगह ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। पावर सप्लाइड बाय द चार्ज पार्टिकल, पावर कोई सप्लाई नहीं करता, है ना, पावर जीरो होती है, वर्क जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल हमेशा जीरो होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, और मोमेंटम चेंज हो सकता है, क्यों, क्योंकि मोमेंटम इज सब्जेक्ट टू डायरेक्शन। क्लियर, डन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने उस पॉइंट पर आते हैं जो अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है क्या? चलो आए देखते हैं इस क्वेश्चन को, चलो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, सब लोग देखना क्वेश्चन, समझना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एससी वालों में दे रखा, मतलब आप ये मान लो सब अच्छी बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन मिलेगा, बिकॉज दैट गिव्स यू द एक्चुअल फील ऑफ द फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सी केयरफुली, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्लियर है क्या, पास
passes through a region of space without any change in its velocity. फिर थोड़ा इस क्वेश्चन को मैं सही कर लेता हूँ हल्का सा, है ना. क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ आप लोगों को. फिर अपन इसको है ना, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू अ रीजन रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी इफ ई एंड बी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द ई एंड बी इन द स्पेस. क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. अब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. Without change in velocity. अब velocity का मतलब समझते हो क्या? Velocity का मतलब हो गया ना तो उसकी direction change हो, ना ही उसका magnitude change हो. अच्छा, अच्छी बात तो ये कि जो magnetic force, magnetic field है, वो कभी भी direction को, sorry, कभी भी magnitude को change नहीं करता. वो केवल क्या change करता है? Direction. और वो भी तब करता है जब particle उसकी direction में नहीं होता. आ जाओ, हमें क्या चाहिए? ना तो v का magnitude change हो और ना ही v का direction change हो. क्या बच्चों सब लोगों को समझ में आया? क्या ना तो v का मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही v की डायरेक्शन चेंज हो. इसका मतलब क्या एक्सेलरेशन जीरो हो जाए? हाँ ना, बोलो यार. क्या एक्सेलरेशन जीरो हो जाए? इसका मतलब क्या नेट फोर्स जीरो हो जाए? यस. चलो आ जाओ देखते हैं. पहला केस e जीरो है लेकिन b जीरो नहीं है. सॉरी, e और b दोनों जीरो, तो इसमें मुझे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं. अरे कोई नहीं है तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो ही होगा भाई. ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है. अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नहीं है तो क्या नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा? यस, कोई सोचने वाली बात ही है. यस, जीरो, ये ऑप्शन ठीक. अच्छा इधर देखो, तो यार इस ऑप्शन के लिए नेट फोर्स जीरो, एफ नेट इज जीरो. ठीक है, बहुत बढ़िया. इसके लिए देखो सेकेंड पॉइंट के लिए, ई इज नॉट जीरो एंड बी इज जीरो. ई जीरो नहीं है, सॉरी, ई इज जीरो एंड बी इज नॉट जीरो. अब अगर ई जीरो नहीं है, क्या ई मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला फैक्टर था? हाँ. क्या बी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता? नहीं. क्या डायरेक्शन करता है? हाँ, लेकिन साथ में ये बोलता है मेरी डायरेक्शन में आ जा तो तेरी डायरेक्शन तेरे को दे दूंगा मैं. तो क्या चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड है और वो उसी की डायरेक्शन में आ जाए तो क्या उस पर नेट फोर्स जीरो होगा? यस. तो क्या ये भी हो सकता है? यस सर, ये भी हो सकता है. नेट फोर्स जीरो, एफ नेट कब? जब वी पैरेलल टू बी हो जाए. बिल्कुल सही समझे हैं आप. तो ये ऑप्शन भी जाएगा. क्लियर? सी ऑप्शन देख. सी, सी क्या है? इज नॉट जीरो एंड बी इज जीरो. ओ भाई साहब, इसको सोचो आराम से. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया वो तो बहुत जिद्दी है, बोलता है आई डोंट नो एनीथिंग, आई नो ओनली वन थिंग कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मेरे ट्रैजेक्टरी में आ गया, मेरे टेरिटरी में आ गया, तो मैं उसकी 101% मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा. समझ में आ रहा है कि ये हमको पता है फोर्स लगेगा, या तो उसका स्पीड बढ़ेगा या उसकी स्पीड घटेगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डू अ वर्क. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करता है? वर्क करता है. ये हम लोगों को मालूम है. तो क्लियर है बच्चे लोग यहाँ पे सब लोगों के, कि अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ गया, अब चाहे आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाल दो. क्लियर है क्या? मान लो, सुनना सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, इलेक्ट्रिक मैंने चार्ज पार्टिकल को ऐसे डाल दिया, तो क्या वो यल ट्रैजेक्टरी फॉलो कर लेगा? हाँ ना, बोलो यार. इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ग्रेविटेशन फील्ड मान लो, जी मान लो, जी नीचे की ओर लग रहा है. आपने चार्ज एक पार्टिकल को ऐसे फेंका यूं, तो क्या वो ट्रैजेक्टरी पैराबोला बनाता हुआ जाएगा? तो अगर मैंने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक दिया ऐसे, तो क्या परपेंडिकुलर फेंका तो क्या वो ऐसे पैराबोला बनाएगा? हाँ ना बोल. क्या वो डायरेक्शन भी चेंज करेगा और अपने मैग्नीट्यूड की भी चेंज करेगा? बिल्कुल सही बात. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भेज दिया ऐसे, तो क्या उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा? डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा. हम तो वो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि नेट फोर्स हमेशा जीरो. तो देख, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो क्या ये प्रोबेबिलिटी हमेशा है कि नेट फोर्स कभी जीरो आएगा ही नहीं? नेट फोर्स कभी जीरो नहीं आएगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी. ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी. लास्ट पॉसिबिलिटी कौन सी है? E नॉट जीरो एंड बी इज नॉट जीरो. दोनों जीरो नहीं है, समझो, दोनों जीरो नहीं है. अब सुन, हम तो ये चाहते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए. हम क्या चाहते हैं कि नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो. अगर हम ये चाहते हैं नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो समझना बच्चों सब लोग, यहां समझा देता हूं मैं. थोड़ा सा जगह खाली नहीं, उधर देखते हैं आगे पेज में है क्या. नहीं है. हम ये चाहते हैं कि नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो. तो देखना, मैं समझा रहा हूं यहां पे, समझना. नेट फोर्स जीरो हो जाए मैं ये चाहता हूं, समझना सब बच्चे लोग. हम ये चाहते हैं नेट फोर्स जीरो हो जाए, समझना सब लोग. अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और मैं मान लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है. ऐसे मान लेते हैं भाई. एक बार सोचो, हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स बोले कि मैं तो जीरो हूं, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तो है ना, और इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो क्या नेट फोर्स अब जीरो नहीं हो सकता? यानी कि अगर मैं सोचता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स आ जाए और इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाए और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, तो क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है? यार ऊपर वाला थर्ड वाला ऑप्शन तो हम क्लिक करके आगे ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कैंसिल आउट करके आगे.
समझ में आया क्या? इस फोर्थ पॉइंट को सोच रहे हैं हम, इस वाले पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट को. फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे पास E जीरो नहीं है और B भी जीरो नहीं है. अगर B जीरो नहीं है, क्लियर है क्या, E जीरो नहीं है, तो क्या ये E तो मानेगा ही नहीं, ये तो एक नेट फोर्स देगा, F इलेक्ट्रिक है ना, ये F इलेक्ट्रिक. तो ये मैग्नेटिक बोलेगा ठीक है इलेक्ट्रिक दे रहा तो मैं भी दे देता हूं, क्योंकि नेट फोर्स जीरो करने है. क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाए तो क्या नेट फोर्स जीरो हो जाएगा? हाँ यस. अब देख ऐसे बना रहा हूं उसको, देखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, क्लियर है क्या, प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज ले लो इसको, माइनस क्यू ले लेते हैं, ये माइनस क्यू ले लिया मैंने, ठीक है क्या, माइनस क्यू चार्ज और ये वी वेलोसिटी से इधर आ रहा है, तो क्या इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स पीछे की ओर लगेगा? हाँ ना बोल, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स पीछे की, देखना ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगेगा, पीछे की ओर. अच्छा और देख मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे ऐसे ऐसे, तो दो फोर्स अपोजिट नहीं आएंगे, तो इसको चेंज करते हैं, इस डायरेक्शन को चेंज करते हैं. सुनना मेरी बात, मुझे इस तरह से सेट करना है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट आ जाएं. देखना मैं कैसे सेट करूंगा, सुनना, दोबारा सेट करते हैं. देखना सर लोग, अपन ने ये लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन ने ये क्या लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ले लिया. चलो मान लो प्लस क्यू चार्ज आ रहा है, तो क्या इस पर एफ ई इसी डायरेक्शन में लगेगा? हाँ ना बोलो यार, प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है. अब मान लो हमने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है क्या, ऐसे, और इसको चार्ज पार्टिकल को भगा दिया हमने, किधर भगाएं सोच, ताकि फोर्स, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स आया, ताकि फोर्स इधर आ जाए, कैसे भगाएं सोच, क्या मैं इसको, हाँ, ऊपर की ओर भगा दूं ऐसे, अगर ये ऊपर की ओर भागा, देख क्या फोर्स इधर की ओर लगेगा, फिर समझो मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं ये चाहता हूं नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया? अब सुन, मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लाना है, मान लो पार्टिकल ऊपर जा रहा है ऐसे, ऐसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है वी वेलोसिटी, मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लाना है तो कि फोर्स आ जाए मैग्नेटिक इसके अपोजिट. तो देख मुझे मैग्नेटिक फोर्स इधर लाना है, तो क्या अब मेरे पास फील्ड क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि ये देख ये वेलोसिटी हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये, तो क्या ये ऑप्शन भी बन सकता है? तो जो प्रोबेबिलिटी हुई, जो बनने की पॉसिबिलिटीज हुई, वो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हो जाएगी आपके पास, पॉसिबिलिटीज जो होंगी वो कौन कौन सी हो जाएगी, पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी आपके पास फर्स्ट, ये पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, सेकेंड पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपके पास, सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी, थर्ड वाली नहीं होगी और फोर्थ वाली भी हो जाएगी. सब बोलो को चमका गया, हाँ ना बोलो यार, ठीक है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं. ये भी सेम क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर से खुद ट्राई करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, घर से ट्राई करना एक बार, ठीक है क्या. इसका ऑप्शन क्या जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, ए बी एंड डी, ये आंसर है इसका. दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे का क्या क्वेश्चन, क्या ऑप्शन है दूसरे के, मैं देता हूं ऑप्शन, इसके जो ऑप्शन है इसके ऑप्शन होंगे किसके लिए बात कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी पासिंग थ्रू द विदाउट चेंज इन इट्स वेलोसिटी. ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, दो दो बार क्यों आया फिर ये. अच्छा इसको आप चेंज कर लो, इसमें आप ये करना है ना, इसको काट दो, ऐसे लिखना अ चार्ज पार्टिकल मूविंग, अ चार्ज पार्टिकल पासिंग, अ चार्ज पार्टिकल पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना है हम लोगों को, या ऐसे कर लेते हैं डायरेक्शन कर लेते हैं इसका, डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज स्पेस विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन, ये बेटर, एनी चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है क्या. इफ ई एंड बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब यहां पर जो आंसर जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, इसका आंसर होगा और, सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी और, ए बी सी डी ई, ये ट्राई करना आप लोगों को, मुझसे पूछना नहीं हो तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है बच्चों लोग, चलो आगे बढ़ते हैं. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया वेन थीटा, ट्रेजेक्ट्री पे आ जाते हैं, आ जाओ ट्रेजेक्ट्री, पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, समझ लो ट्रेजेक्ट्री. तो पहली बार ट्रेजेक्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, पांच की चार्ज पार्टिकल कैसे चलेगा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सबसे पहले हम जानते हैं जो ट्रैजेक्टरी होती है वो उसके पाथ को डिफाइन करती है. अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 180 डिग्री बोले तो क्या होगा, क्या फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये चाहता है कि पार्टिकल मेरी डायरेक्शन में आए तो मैं उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा. अगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, क्या जो ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन होती है तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा. ये देख हमेशा कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन, ट्रैजेक्टरी हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन. क्या सब बच्चों को चमका, जो ट्रैजेक्टरी होगी हमेशा स्ट्रेट लाइन. अब आ गया अपना सुपर हीरो, मतलब मैक्सिमम फोर्स का क्वेश्चन यहीं से आता है, कहां से, दैट इज सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट मैक्सिमम फोर्स का क्वेश्चन यहीं से, ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री. अगर थीटा 90 डिग्री है बच्चों लोग, थीटा 90 डिग्री है,
तो क्या एफ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू वी बी फोर्स. ट्रेजेक्ट्री क्या होगी हमेशा सर्कल, जिसका प्लेन हमेशा क्या होगा, ये चीज आपको याद रखनी है जो मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे, जो लिख रहे हो आप. ट्रेजेक्ट्री हमेशा सर्किल होगा, अगर सर्कल है तो सर्कल का प्लेन होगा. ये देख भाई, सर्कल तो एक प्लेनर मोशन है ना, टू डायमेंशनल मोशन, प्लेनर मोशन, एक प्लेन में होगा. और हम जानते हैं तीन प्लेन होते हैं, एक्स वाई, एक्स जेड एंड वाई जेड. तो कौन सा प्लेन है जिसके अंदर वो सर्कल हो रहा है? तो पहली बात, वो कौन सा प्लेन होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. कौन सा होगा? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. और जो उसकी एक्सिस होगी, एक्सिस देख, प्लेन कौन सा होगा, सर्कल, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. और एक्सिस जो होगी, एक्सिस, वो एक्सिस हमेशा कहां होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एक्सिस कहां होगी इसकी, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्या सब बच्चों में चमका है ना, कोई भी सर्कल है, मान लो ये देख, ये सर्कल है, इधर देखो सब लोग, ये सर्कल है, क्लियर है क्या, ये सर्कल है. अगर ये सर्कल है, देख चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है ऐसे, मान लो ऐसे आया चार्ज पार्टिकल, क्लियर है क्या, है ना. तो तुम्हें पता है क्या वेलोसिटी की चाहत, वेलोसिटी की चाहत पता है क्या, व्हाट द वेलोसिटी वांट्स, वेलोसिटी क्या चाहती है, क्या वेलोसिटी हमेशा ये चाहती है कि वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ जाए, क्या वेलोसिटी ये चाहती है कि वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पकड़ ले, हाँ ना बोलो, है ना. ऐसा मैंने आपको सेशन भी लिया था, समझाया था मैंने आप लोगों को कि वेलोसिटी जो चाहती है वो हमेशा ये चाहती है कि वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पा ले. अब सुनना, वेलोसिटी ये थी, इसने देखा फोर्स ये रहा, इसने क्या देखा फोर्स ये, अरे यही लगेगा ना फोर्स, देखो राइट हैंड थंब रूल ऊपर की ओर, हाँ ना बोलो यार, फोर्स ऊपर की ओर आ गया, ऐसे ही ना यार, ये देख फील्ड अंदर की ओर, पुश ऊपर की ओर, तो फोर्स कहां लगा, ऊपर की ओर. तो वेलोसिटी ने क्या देखा, अरे मेरी चाहत ऊपर की ओर है, ठीक है, तो वो अपनी चाहत को पाने के लिए मुड़ती है ऐसे, क्लियर है क्या, ऐसे पाने के लिए अपनी चाहत को मुड़ती है इस तरह से, देख ऐसे ये. फिर जब वो यहां पहुंचती है ना, वो देखती, दिखा देखो तो सही मेरी चाहत कहां है, कितना पास आई, तो उससे देखता है अरे वो तो डायरेक्शन चेंज हो चुका है, उस तरफ चला गया है, तो वापस क्या करती है वो, अपने आप को फिर मोड़ती है, फिर वो यहां पहुंचती है, फिर देख इधर दिखती है, फिर वो मोड़ती है सिर, क्या वो हमेशा गोल गोल घूमती रहती है, लेकिन उसको अपनी चाहत कभी भी नहीं मिल पाती. तो क्या अगर फोर्स कांस्टेंट हो मैग्नीट्यूड के अंदर, क्या फोर्स कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड के अंदर, क्या फोर्स कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड के अंदर, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वी, क्या फोर्स कांस्टेंट है, और अगर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, क्या वो हमेशा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता ही यही है कि वो हमेशा फोर्स को परपेंडिकुलर रखता है, क्या फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, फोर्स क्या कांस्टेंट होगा. तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है और कांस्टेंट है, तो क्या वो एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी होती है, मैंने आपको बताया भी था ये सारी चीज. तो क्या ट्रैजेक्टरी सर्कल बनेगी, हाँ ना बोल दो, ट्रैजेक्टरी क्या बनेगी, एक सर्कल बनेगी, ट्रैजेक्टरी क्या बनेगी, सर्कल. अब अगर ट्रैजेक्टरी सर्कल बनेगी तो इस सर्कल का जो प्लेन होगा वो हमेशा कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और जो एक्सिस होगी वो हमेशा कैसी होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब आ जाओ बच्चों, इसमें कुछ एक प्रैक्टिस करते हैं अपन, शानदार वाली, समझना सब, ये लिख लिया क्या, पहले आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाओ. चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, नेक्स्ट, इसके बाद बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कल. एक्चुअली इसमें मैं बाद में आता हूं रेडियस ऑफ सर्कल पे, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको कराता हूं, समझना सब बच्चे, देखना ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन इस तरह से देखना सब लोग. सब देखेंगे, आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी वेलोसिटी है ऐसे, समझे गए सब लोग, ये इसकी वेलोसिटी है इस तरह से, ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड ये है और वेलोसिटी ये है, ठीक है क्या. आपको ये बोला जा रहा है कि एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है इस तरफ, ठीक है क्या, ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, फर्स्ट वाई जेड प्लेन, सर्कल, सर्कल इन वाई जेड प्लेन, सर्कल इन वाई जेड प्लेन, सर्कल इन वाई जेड प्लेन, सेकेंड, अच्छा साथ में और चीज लिख लेता हूं, सर्कल इन वाई जेड प्लेन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज, दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल कंडीशन, ठीक है क्या. हम लोग केवल और केवल रट लेते हैं कि भैया सर्कल करेगा, सर्कल का रेडियस आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी होगा, लेकिन हम लोग इस बात पे नहीं फोकस करते कि किस डायरेक्शन में वो घूमेगा, कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा. मैं सारी चीज ट्रिक पे समझाऊंगा, सुनना समझना. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी वेलोसिटी हो गई. अब देख ढंग से, क्या चार्ज पार्टिकल ऊपर की ओर आ रहा है, चलो पोल नहीं करता हूं, मैं ऐसे समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है क्या, ऐसे समझ लो आप लोग, टाइम वेस्ट होगा फालतू. इधर देखो सब लोग, क्या पार्टिकल जो है, फोर्स बता सकते हो क्या, पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये देखो ऐसे, क्या वेलोसिटी ये. अब बस ये पता चल जाए तुम लोगों को फोर्स क्या है, क्या बच्चों बोल सकते हो फोर्स ये रहा, हाँ ना बोलो यार, अलोंग द जेड एक्सिस फोर्स है, समझना आराम से, क्या फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस है, क्या फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस है,
क्या वेलोसिटी को उसकी चाहत दिख गई? हाँ ना बोल, क्या ये ऐसे मुड़ेगी? यार हाँ ना बोलो, क्या तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो है, मैग्नेटिक फील्ड बी क्या वो एक्स एक्सिस में है, अलोंग द एक्स एक्सिस? तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होगा? एक्स का परपेंडिकुलर प्लेन, एक्स का परपेंडिकुलर प्लेन। क्या वो वाई जेड होगा? क्या वो वाई जेड होगा? तो क्या वाई जेड में सर्कल बनेगा? सर्कल जो बनेगा वो वाई जेड में बनेगा, सर्कल इन वाई जेड प्लेन। सर्कल कौन से प्लेन में बनेगा? वाई जेड प्लेन। क्या सर्कल वाई जेड प्लेन में बनेगा? हाँ, सर्कल किस में बनेगा? वाई जेड प्लेन के अंदर बनेगा। बहुत बढ़िया, सर्कल बिल्कुल वाई जेड प्लेन के अंदर बनेगा। ठीक है, और सुनो, अगर सर्कल वाई जेड प्लेन के अंदर बनेगा तो देखना कैसे बनेगा। सुनना, क्या फोर्स बाहर की ओर लगेगा ऐसे? अगर ये फोर्स बाहर की ओर लगा, समझना सब लोग, तो क्या ये आपका फोर्स है इस तरफ? क्या वेलोसिटी को उसकी चाहत दिखेगी? तो क्या वेलोसिटी इधर मुड़ेगी? बस पता चल गया, ऐसे मुड़ेगी। तो क्या वो ऐसे घूमेगी? हाँ ना बोलो। क्या अगर मैं बनाऊं डायग्राम में, क्या ऐसे बना सकता हूं इस तरह से? ये समझ आया क्या? सेंटर किधर टच दिख रहा है? राइट में सेंटर टच दिख रहा है, ऐसे। क्लियर है? सेंटर टच वाला स्कीम को छोड़ो, आपको तो ये पता है कैसे घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा। क्या ऊपर से बाहर निकलेगा? हाँ ना बोल। क्या ऊपर से बाहर निकलेगा? अगर मैं इधर से अपनी उंगलियां घुमाऊं तो क्या अंदर की ओर शो करेगी? तो क्या इधर से साउथ होगा, उधर से नॉर्थ होगा? तो क्या उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा? ढंग से देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता है, हवा ही नहीं चलती। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? फिर समझना बच्चों लोग। ये मेरे पास वेलोसिटी, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, देखना सब लोग। ऐसे फोर्स ऊपर की ओर आया, यानी कि अलोंग द जेड एक्सिस। क्या अलोंग द जेड एक्सिस आया तो क्या वेलोसिटी को अपनी चाहत दिख गई अलोंग द जेड एक्सिस? तो क्या वो उस चाहत को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आएगी ऐसे? क्या ऐसे सर्कल बनेगा? हाँ ना बोल, ऐसे। ये देख, ऐसे तुम खुद घुमा के देखो ना यार, तुम यही तो, तुम पता है सबसे बड़ी कमजोरी क्या है तुम लोगों की? तुम केवल केवल बैठते रहते हो और आराम से ना, है ना, कुछ खाते रहते हो, पढ़ते रहते हो, फिर ऐसे थोड़ा है ना अंगड़ाइयां ले लेते हो। मतलब मेरे बात बताओ, कितने बच्चों के हाथ में पेन है जो मेरे को जैसे डिटो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो, है ना, ये करते हो ना तुम लोग? सही कह रहा हूँ मैं तुम लोग? हाँ, बस मम्मी चाय, मम्मी ये पानी, ठीक है क्या? बस आराम से टीवी देख रहे हो, है ना? अभी मैं गिटार बजाने लग जाऊंगा बस। हाँ बस, अभी सर डांस करेंगे, और कुछ नहीं यार। जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने फर्स्ट क्लास में बोला है तुम लोगों को यार, ये मैग्नेटिक फील्ड में आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, पेन कॉपी अपने हाथ में रखो, देख समझ मेरी बात को। ये अरे ये जनता वाले क्वेश्चन नहीं है, ये सिलेक्शन दिलाएंगे हम लोगों को यार। कौन पढ़ता है ये सारी चीजें? 3D के अंदर कौन जाता है? समझना जी, बस बच्चा इतना याद रखता है, मुझे ना देख सर्कल का फॉर्मूला याद है, मुझे ना सर्कल का फॉर्मूला याद है, मुझे ना फोर्स का फॉर्मूला याद है, मुझे ये फॉर्मूला याद है, मुझे पूरा मैग्नेटिक फील्ड आता है। गलत बात, मैग्नेटिक फील्ड वो नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो, फॉर्मूला इज नॉट। फॉर्मूले आएगा, फॉर्मूला है, लेकिन उसके साथ फील भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? बात वो बोलेगा, सुनो, वो बोलेगा बताइए मैक्सिमम जेड कोऑर्डिनेट बताओ, मैक्सिमम जेड कोऑर्डिनेट। तो मैक्सिमम जेड कोऑर्डिनेट पता है किसके बराबर होगा? 2R यार, मैक्सिमम जेड। ये एक्सजेड वाई जेड प्लेन बनेगा, और वाई जेड प्लेन में ये यहां आके घूम के जाएगा। तो क्या वाई जेड में मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा जेड के अंदर, क्या वो 2R होगा? यानी कि आपसे 2R। अब आपको फॉर्मूला तो आता है, R = mv/qb। R इज इक्वल टू क्या होता है? mv/qb। आपको फॉर्मूला तो आता है, लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में? 2R पूछा है कि मैक्सिमम जेड कोऑर्डिनेट निकालो, तो फील तो आना चाहिए ना। देख इधर देख, इधर देख, क्या वो ऐसे घूमेगा ऐसे? हाँ ना बोल। तो क्या वो जेड एक्सिस पे अपना डायमीटर बनाएगा ऐसे? डायमीटर यार तुम इधर देखो, हाँ ना बोलो सब जल्दी से, मेरे पास सुनो। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, समझना ऐसे, ठीक है? चार्ज पार्टिकल, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करता है, चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करता है, यहां से। तो क्या वो ये ट्रेजेक्ट्री बनाएगा? सॉरी, क्या वो ऐसी ट्रेजेक्ट्री बनाएगा? देख ऐसी ट्रेजेक्ट्री, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। चार्ज पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है, कहां से स्टार्ट करता है? ओरिजिन से स्टार्ट करता है। तो क्या वो ऐसी एक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा ऐसी? तो मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 2R। मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 2R। समझ में आया क्या? कैसे पता चला? देखना, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड था बी, और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी क्या था? सॉरी, ये तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड था, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड था, ये इसका वेलोसिटी था। तो क्या वो ऐसे आया? फोर्स ऊपर की ओर लगा, क्या फोर्स ऊपर की ओर लगा? वेलोसिटी ये थी, तो वेलोसिटी ने फोर्स को देखा, वेलोसिटी ने क्या करा? फोर्स को देखा, वेलोसिटी ने जैसे फोर्स को देखा उसने क्या, मेरी चाहत, हाँ, तो वो मुड़ गई इधर। तो तुम्हें बस आइडिया पता चल गया किधर मुड़ना है उसको, तो ऐसे घुमा दो सर्कल। अगर तुम सब, हम सब एक तरफ है, मैं बोलूंगा कौन सी डायरेक्शन में, तो क्या जिधर घुमा उधर उंगलियां घुमाओ बाहर की ओर। क्या बाहर की ओर एंटी क्लॉकवाइज दिखाता है? तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आपसे बताइए, बताइए मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2R। बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा? एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव जाएगा। ये देख, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए यार, ट्रेजेक्टरी की सारी इन्फॉर्मेशन। क्या तुम लोगों को चमका गया यार?
ऐसे नहीं बस केवल केवल रेडियस रेडियस का फॉर्मूला आता है मैं इस क्वेश्चन कर लूंगा सारे के सारे, नहीं गलत बात। 100 आ जाएंगे आपके, 100 प्लस आ जाएंगे आप लोगों के फॉर्मूले से, लेकिन 120 प्लस 130 प्लस लाने हैं तो 101% आपको ये चीजें आना चाहिए। मैं बोलता बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा इसके अंदर, ये देख, क्या वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा? हाँ। क्या ये वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा इधर जाके? अब इस क्वेश्चन को देख, क्या मैग्नेटिक फील्ड ये था, क्या वेलोसिटी ये थी, ऐसे है ना? अब सोच कैसे बनाएगा ट्रेजेक्ट्री, क्या फोर्स बाहर की ओर आया, क्या वेलोसिटी को फोर्स दिख गया, क्या वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस और फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस, तो क्या वैसे घूमेगी ऐसे? हाँ ना, बोलो यार, वाई जेड प्लेन के अंदर क्या सर्कल बनाएगी ऐसे वाला, क्या वो इधर से मेरे को ऐसे दिख रही है? तुम भी अपनी उंगलियां अपना हाथ को घुमा के देखो, तुम्हें दिख जाएगा आपकी तरफ से, आपकी तरफ से ये क्लॉकवाइज है खुद की तरफ से, तो उधर से क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। वो क्या देखेगा? ऑब्जर्वर जो खड़ा है यहाँ पर, ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा? आंखें फाड़ फाड़ के ये देखेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यार, सब कुछ चमका गया यार। हाँ ना, बोलो यार, सब कुछ चमका गया, ये इंपॉर्टेंट है यार, क्लियर है क्या? इसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चे लोग? हाँ ना। अरे यार, तुम लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते यार, बस सबको आया गया स्वाति मोदी, ये देख क्या क्या लिखते हैं, ये स्वाति क्या लिख रही है, वो डिलीट कर दिया उसने, मतलब ये करते तुम लोग, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को? समझ में आया क्या? अरे प्लस क्यू चार्ज है ना यार, कहां से इन्होंने चाहिए फोर्स, प्लस क्यू चार्ज है तो क्या फोर्स ऐसे लगेगा यार? तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार? फोर्स क्या बाहर की ओर लगेगा ऐसे? फोर्स बाहर की ओर लगेगा, ये बाहर की ओर फोर्स आएगा, तो जब फोर्स बाहर की आएगा वेलोसिटी को उसकी चाह दिख जाएगी यार, वेलोसिटी को उसकी चाह दिख जाएगी बाहर की ओर, तो क्या वेलोसिटी ऐसे फुल घूमेगी? अब ऐसे देख, इधर से आगे देख, तू इधर से आगे देख, अरे तुम खुद घुमा के देखो, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और उधर से घुमा के देखो क्लॉकवाइज दिख रहा है यार, तुम लोग है ना, बस वही बात आ जाती है यार, क्लियर है क्या बच्चा लोग? चलो चलो फिर अगली क्लास में करते हैं ना, आज बहुत ज्यादा ये, चलो अगली क्लास में करते हैं। अब ये ना तुम्हें ना घर पढ़ लेना आ जा, नहीं तो अभी मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा ना तुम्हें ये थ्री के अंदर, तो तुम्हारा उड़ जाएगा सारा, ठीक है क्या? और क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यहाँ से, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैंने तुमसे कमिटमेंट कर ली ना यार, है ना? और जब मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तुम लोगों को मालूम है ना, वो पूरी करके देता हूँ मैं, ठीक है क्या? और कमिटमेंट ये है कि नीट 2020 के अंदर, नीट 2020 के अंदर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, नीट 2020 के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से, है ना? इस बोर्ड से, यहाँ से टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड से क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें से आपके 60% क्वेश्चन फॉर्मूले वाले हैं और 40% क्वेश्चन जो हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, यानी कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, थिंकिंग लग रही होगी, ठीक है क्या? वही हमें सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है बच्चा लोग? तो आज इतना ही खेलते हैं अपन, बाकी है ना, तो अपन जो ये है इसको कंटिन्यू रखेंगे बच्चों अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में बहुत अच्छी छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, क्लियर क्या? पूरा फील दूंगा, पूरा ज्ञान दूंगा आपको, कहीं से भी आपको कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है, इन 2 महीने के अंदर। तो अगली क्लास के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो यही है, इनके ऊपर ट्रिक्स आएंगी आप लोगों की, ठीक है? तो बच्चों लोग जल्दी से, आप लोग जल्दी से है ना थोड़ा शेयर वेयर कर दो इस सारे चीज़ों को, है ना? ठीक है बच्चा लोग, बस इतना ही चाहिए आप लोगों से, बाकी मैं संभाल लूँगा आपको, ठीक है बच्चों? चलो मिलते हैं फिर, है ना, कल मिलते हैं और इसी टाइम पर। चलो बच्चा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू बाय, सी यू, सब लाइक करें, सब शेयर करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है क्या? चलो बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। ठीक है बच्चा लोग, हाँ, और जो बच्चे नए आए हैं तो ये क्लास रेगुलर होती है यहाँ पर, जैसे बोर्ड, हाँ चलो मिलेंगे फिर, है ना यार बच्चे? अभी क्लास नहीं है, अभी तुम लोग है ना रिस्पॉन्स तुम पढ़ के आओ, थोड़ा सा जो आज मैंने पढ़ाया उसको थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लो, मतलब ऐसा होना चाहिए, एक जल्दीबाजी नहीं है हम लोगों को, फिर मैं बोल रहा हूँ टाइम है पूरा, यकीन मानो मेरे पास, मुझे पूरा पता है कितना टाइम है, मैं ज़्यादा भी क्लास ले सकता हूँ और लूंगा भी सही, ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी आराम से देखो, ये जो चीज़ें पढ़ रहे ना वो पहली बार पढ़ रहे हो तुम लोग, आज जो मैं तुम्हें ट्रैजेक्टरी समझा रहा हूँ तुमने नहीं पढ़ी ऐसी ट्रैजेक्टरी, मुझे मालूम है अच्छी तरह से, कोई पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है क्या? ये सारी चीज़ें और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग फॉर्मूला तो पढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, तो आज जाके घर पे इन चीजों को पढ़ो और थोड़ा प्रैक्टिस करो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर, हम फिर कल आएंगे और कल ऑलमोस्ट हम मैग्नेटिक फोर्स को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फोर्स ऑन अ करंट वायर बचेगा, देन फिनिश,
उसके बाद हम ईएमआई पढ़ेंगे, उधर हम कल वे ऑप्टिक्स स्टार्ट. अच्छा कल का क्या है, अपन ऑप्टिक्स में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कल हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, टुमारो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है क्या, मुझे गट्स फीलिंग है इस बार एक क्वेश्चन देगा ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वन क्वेश्चन दिस ईयर 2020, वन क्वेश्चन, मुझे गट्स फीलिंग है इसकी. ठीक है क्या, चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, चलो बाय, मिलते हैं कल.